प्रकृति हमें अपने अनेक रूप दिखाती है तथा हमें प्रेम करना सिखाती है। प्रकृति हमें जीवन में रंग भरना सिखाती है। प्रकृति की गोद में रहने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, जैसे इस गांव के लोगों को मिला है। ये है खर्क गांव। ये गांव उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। ये गांव ऊंची ऊंची पहाड़ियों की घाटी में बसा हुआ है। इस गांव के ठीक सामने पक्की सड़क की सुविधा है और सड़क से ये गांव मात्र 5 मिनट की पैदल दूरी पे है। इस गांव के दाएं और बाएं भाग में सीढ़ीदार खेत हैं। तो आइए चलते हैं खर्क गांव के सफर पे। हमें इस सड़क की बाई तरफ से नीचे की ओर जाना है। सड़क से गांव तक हमें इस दुर्गम पैदल मार्ग से होके जाना होगा। ये पैदल मार्ग पूर्ण रूप से कच्चा और बेहद संकरा है, जिसमें बड़ी सावधानी से चलना होगा। अनुमानतः गांव तक पहुंचने में हमें लगभग 5 मिनट लगेंगे। गांव के ठीक नीचे छोटी नदी होने की वजह से यहां पुल का निर्माण किया गया है। गांव के लोग नदी में कपड़े धो रहे हैं। यहां के लोग इस नदी के पानी का उपयोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए भी करते हैं। हम पुल पार करके गांव के नजदीक पहुंच चुके हैं। गांव के निचले भाग में ये इनके सीढ़ीदार खेत हैं। गांव के सामने खड़े पहाड़ हैं और चारों ओर का नजारा कुछ इसी तरह का है। गांव में पहुंचते ही हमने इनके खेतों का मुआयना किया। खेतों के नजदीक छोटी नदी होने से यहाँ के लोग सिंचित खेती करते हैं। खेतों की मिट्टी उपजाऊ होने से यहाँ के लोग इन खेतों में कई प्रकार की सब्जियाँ और मोटे अनाज उगाते हैं। जब हमने खर्क गांव के घरों का मुआयना किया तो हमें पता लगा कि इस गांव के कई पुराने घर खंडहर हो चुके हैं। ये टूटे हुए घर हमें ये संकेत देते हैं कि इस गांव से कितने लोग पलायन करके शहरों में जा चुके हैं। खर्क गांव में पलायन का अनुपात 20% से भी ज्यादा है। इस गांव के 30% लोग पुराने घरों में रहते हैं और बाकी लोग पक्के आधुनिक घरों में रहते हैं। खर्क गांव के बीच में मसान देवता का मंदिर बनाया गया है। ये गांव वालों का कुल देवता है। जब हमने गांव के लोगों से बात की तो पता लगा कि इनके पूर्वज इस घाटी में इसलिए बसे थे क्योंकि यहां पानी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध था। खर्क गांव पहाड़ों की घाटी में होने की वजह से यहां सर्दियों के मौसम में धूप बहुत कम समय के लिए निकलती है और गर्मियों के मौसम में यहां का तापमान ठंडा रहता है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और दीदी जी लकड़ी के चूल्हे में दिन का खाना तैयार कर रही हैं। पहाड़ों में लोग अक्सर लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाना पसंद करते हैं। अब है ना, अभी खेत का मैं पोड़ी भरी आली तो लोग फिर बस मेरे नौना नहीं पीछे शादी गाड़ी भाई उन गाड़ी ना नौना तो जो कुछ बार भाई बंद हूँ मेरा मुश्किल दिन जी जो बगान बहरा हवा खा लिया तो बहरा जाए पर हम तो पहाड़ माइन जी हमारे पहाड़ को
है ना इस और क्यों बोल दा ई पार को बुला मार जो मु पैसा जी बुला जो अगने अगने बेचारा बड़ा ना चन वही जा लो ने अरे हम तो अब री पोद अत खान हम पैसा नहीं जी बुला पर हमार खेती लुगारी के करी दो दिया सुजन बस यहां पर हमार खेती करी जावन पोड़ को बने बने जी बुला पैसा नहीं दिया के हम ना पर अन्न भरियो हमारा पर मीन गतो पर इन जकी कोई भगयानी तो खूब चन मेल मिला अब अड़ोस पड़ोस खूब चल रहा का हमने कह रहा लड़ाई कर रहा ना झगड़ा कर रहा कुछ ना एक बैठ तू भी चाह पी जा। पहाड़ों में आज भी लोग बैलों का इस्तेमाल खेतों को जोतने के लिए करते हैं। दीदी जी के बैल खेतों से हल लगा के वापस घर आ रहे हैं। दुनिया भरो कर के नहीं कर दुनिया भरो काम करी तब तब बीमार भी बैठी यहाँ पर काम कर करी दे खजूरिया फजूर और अभी आज वो आज चल गोहना का बिजाड़ चल गोहना का फिर अब मोबनी लग दी ना फिर गेहूँ की दान रहेगी प्याज खेंडी हाँ आलू प्याज भी तो ज्यादा होने पर आप होने भी नीचे ना पहले बहुत सारे बन पर आप पहुंचे होने का हाँ हाँ कोई बांदर भी जन खाना तब गरीब आदमी हम तो ये नहीं करे पर खेती का मैं तब खाए मैं कोड़ू बनी थे उम्र कितना जी ये रंग बैठा नाते पूछ हमें जन्म पत्र भी जो खाते हो खाए ले जन्म पत्र दिया कौन मुड़ दिया कौन हाँ मन याद नहीं हाँ नब्बे तक लगने तुम्हारी हाँ नब्बे तक सब काम करें बाबा मैं सब काम जगह बोलन यार नौकरी में करे वो भी वो जा दान बुतु खाने दान दान रंग था मेरे बुजार क्यों जाने बलवा बकरा दिया बबल दिया मैसा दिया तुम्हारा जमान वाची जो कि आज है जमान वाची बता अठन नहीं शेयर क्यों का है मैं अठन नहीं शेयर अचार ना बेली गुड़ेगी इतने से बेली रंग से और आज देखा तो दी गमरियों ने भैया अब तो मम्मी जब मैं कबड़ी मोली में यार पैदल जान था बाबा ये ना अब तो बजान गई इन बिजार सब तो कुछ सोच था वही है पूरा हम तो अलग कट नहीं कर रहे हमें बारीक कट नहीं अरे हम ना यार नल को ये था पांच बंद जो छोटे जो बार गिलासन भर था सब लोन था एक एक तो जो इन कट नहीं मोल से हमारे पे गुरु बाहर अब भैंसा अब बंद बार बार जो काम नौकरी थे और क्या करनी थी अब तो लोग बनी बन गए राजा मैं जिस जान नहीं छो मेरे नौना पंगा नहीं खुआ मैं जान नहीं छो कि मैं मन नहीं मुझे राजा मैं जीवन बिताया रो मैं नहीं मन ना रही डोलो मैं डर नहीं मैं जगी डोलो कितना बुआ रही तुम्हारी पी डियर हम रहने क्यों रहने हाँ दी बुआ रही जन थोड़ा सी तभी उन जगह लेने दे दो अब यह पता रहा सब प्रेम बाप गए और आज देखा दारू पे कूट मार कूट मन जो माना छे कुछ तो नहीं हम मन जा माना जो मेल मिलाप पहले छो गांव में तन नहीं बाबा तन नहीं तो कुछ बोल दिया कुछ कर दिया जमान बदल गया जमान भी तब बदल गया था जब मन बदल गया जो जमानो जानो पे कक्की वो बोल बेटा मैं ये जमान दिखे रही बहुत हैरान हुई मैं कब्र जो गए मैं जब ना आज के चल बो गए गए या तो मैं गाड़ी कर दूँगा उन चल तो दे दूँगा मैं बोल रहा बाबा मैं जिन्हें काटे अच्छा लग दो खूब लग मैं यहाँ पर कर देर दूँ लग दो अच्छा गई नहीं जो मैं कभी वो ऐसे बोल दी मैं बिगर मूल रहा हूँ तुम हूँ लोग तो ना छेड़ी बाड़े काम करें मैं भी पाला हम भी डबल हम भी करना
ना ना अब समय खराब है इंदर कभी आसमान भर गई जाना कभी नहीं भर गई करना अच्छी नहीं लोग जिंदा कुछ लोग घर भी बस गिन ज़्यादा करे अब नौकरी नागरी में बल्ला ही हो लग बच्चे तो आ गया दो पैसे होटल में भी चल रही है तो होटल में भी पूरी नहीं पर जाना नहीं जान पानी का तक ही जान हम तो अब रुके तो कमाए खाए गौर आस नहीं होना तो वही अंदर थी सब अब देश से देश जाने के पाखना भरी है हमारे ये सब बचन बुढ़े लोग जवान बहुत तुम तो काम काज हम करना बेटा हम वही काम काज हमारे पूछ कौन जो हम कर लिया बस हमारे कहीं कुछ नहीं हो तो बस अब बेटी बढ़ बस अब कोई कर ली तो कर लिया कह बोलो वो भी नहीं कह करा कि नहीं करा अब से खेती वर से बल लेना ले यहाँ पर कौन सी की नहीं कौन ही बांध रख दस की ना तो प्राणी मारू कि चलो भाई अब खेती वर अब खेती वर कर छोटी नहीं नीचे आजकल अब बुआ इंजन का वो हम तो तन रहे हैं अनपढ़ रहे हम लोग सासू बोल रहे हम तो जन बोल उन्हें काम करे हम अब लोग लेके पड़े लड़की जन अन्य कद उठा काम और तब कल जब तो था जिम्मेदार भी अब लोग इन वही ना कहीं खेती छोटे लोग ना गोनी बांध रहा हो छोटे लोग उन खेती पाती भी छोटी याद है मेरी ये कहना ही मेरे आई बुआ रे कतोड़ी कतोड़ी जाओ ना जाओ बिके जाएंगी थी ये तुम्हारे बाहर थे तुम्हारे बाहर थे किसान थे ना ये मेरे बुआ बाहर किसान थे ये प्यार भी नहीं गोल कंकास हाँ बुआ तब जन नहीं हुए तब कल ले तब कल ना तो खाना क्या लोग तो भैया नौकरी से दुकान चली दौड़ माँ भी जाएगी ना अब दौड़ माँ लिया तो खान की थी बच्चे वही माँ तो वही तब दुख जो होता अब कोई बेचारा भैया ने कहेगा नौकरी चाकर से ना मन की तो दौड़ माँ चल गई अब तो माँ फोन नौकरी चाकर छी हूँ अब जो निकल तो खान के हम कथा काम करे बहुत काम करे हम अब हमारे बसो छी भाई बोल ना तो बोल कसन तो कर लिया बेटा हमारे पेट पाल लिया नहीं कर सको तो कन्न में राज्य के नहीं ना कन्न में सब छन पर करी के कहना कुछ होंगे नहीं तब कभी खेती पर कुछ नहीं कभी कुछ नहीं चला भाई कभी चल दे रही हाँ गाँव लोग छोड़िए जाना चाहिए आज जाना इन छन की जो भैया ना बैर बस के ना तब वो जाला अब हम कब जाना था हम क्या कहना जब कुछ नहीं कुछ जानो हाँ कुछ नहीं अब मेरे मन की चिंता आठ नौ साल हो गई वो बैठे हैं जाना अब मैं भी कब जान भाई अब मेरे नौ भी नागर जाकर उन में हम तो बोले चलो पापा माँ तू भी चला हम जाए खुदा भी बुआ जाना वो तैयार ही ना कौन था हमारे गाँव छह बाया जो कोई चल भी जाएगी ना कोई जो छह भी छन गाँव में इन की कोई मौा से नहीं गए बोले कि जो कि जाने चल गए और इन चीज़ जो हमारे गाँव में ये था वो नीचे की जान वाला मौस की हटी नहीं ज़्यादा नहीं हटी चलिए पर तो हाँ ना ना ये तो हम था ना ये ना वो ठीक है मैंने कि तुम्हारे गाँव में जाओ सन मौस सन दिखाना बोली था गौर कर कभी कोई गाँव कुछ नहीं वाजा गाँव खाली होगी ना वाजा गाँव खाली होगी वो केवल बूढ़े बूढ़े थे ना बूढ़े हैं छोटे हैं गाँव नहीं पीढ़े पी नहीं हाँ हाँ धीरे धीरे खाली हुआ तो बेटा हाँ समाज अब कोई हो रहे बदले ये पेड़ हो रहे छो काम इन छो कि चला मैं नहीं सौ चला यार माँ बहन बोला चला यार काम कौन चला जरा मैं कर अब तो भी नहीं कोई राजी नहीं होना पहाड़ तो अभी जो कि चला मजबूर से रण पड़ता तो कभी पैर जुगाने तो मजबूर से इनसे कि चला बड़े पहाड़ में बल्कि पहाड़ तो जो भैया रहे तो पहाड़ तो बढ़ गए नहीं बैठ गए तो पहाड़ तो बढ़ गए पर तब अब रब ये हमारी पितृभूमि है ना हाँ पितृभूमि छोड़े लोग भागना भागना चाहिए क्या चाहिए भागना खुद बकानी गाली लोग नर भागे ये अगर तुम दौड़ नहीं कम से कम ये साल में दी तीन बार था तुम समझो हाँ कम से कम गौर बनाएगा हम तो नहीं जान बेटा हम तो कहीं नहीं जान हम मल्ल देखे मल्ल बच रहा था हम यहाँ कूड़ भर मल्ल बचना हम जानो कहीं नीचे हमारे साथ नहीं हम कहीं चौल बाजे बाजे तो पितर कूड़ धन भी नहीं पितर कूड़ धन भी नहीं हम तो इन चेंज की नीचे बैठा कि जानो साथ नहीं कि हम कहीं जौला हम जो मल्ला था हमें कि मल्ला अभी था सुमे भी सोचूँ कि मेरे बुआर भी नौ ना नील लिखा सावधान तक तो नील लिखा सावधान कि चारों नहीं कहीं कि था ध्यान है हम इन जगह पर गौर छोड़ी था ही कहीं नहीं जाए सावधान अब तो मुझे कहीं वैसे कूड़ा बाड़ा टूट गए भागे लोग नहीं खबर खनवार हुए यहाँ अब और भी क्या लोग कोई इन भी लगी सौर कि चलो बाबू चलिए मैं भी चलूँ कोई सौर हुए दिन में सौर हुए जब साधन चल तब भी सौर हुए लोग आरो जब साधन नहीं कहो तो कहो जान भाई अब खेती पाते हम से लिया छे यहाँ पर अपनी बोना छे अपनी बुधना छे बोना बुधना छे यहाँ पर लिया हम कुछ छाइए इन बात है ना अब खेती पर होली भी नहीं जे खेती पर दुनिया भरो ना लून छो पहली अब ये खेती हम कुछ लिया लेना तब दिल भी नहीं बोल काम करना हम खेती पर मेहनत करना छे पर तब होंगे नहीं तो करनी किच मेहनत दुनिया भर खेती पर ना आज हो तब गुणी बांध रही तो कुछ भी नहीं रखना खेती पर
बस की कण तरह जड़ो जड़ो बाड़ वो दो फूण वो कि फूक दिया और दिन गोणी बांदर भी कम था। अब तो शिष्य तो भीतर से जाना वो द्वार खुलन तरह वो टोकरू पर रोटी छन पुर कोना बस के पतो न गोगा बारा में बेला बैठे आ जा गौर मु और के करना पूंगड़े पाले जाना रोपने बोले अब 12 जून के दिन बस रोपने तैयारी का करना बाकी करना जा टाइम पास अब कान दुका पर खाए जमानो तो आप नहीं भाई जी आप कहो अब हम के खुद बिहारी मजबूरी नहीं जमानो तो बहुत दूर रही धन्यवाद जमानो तो गयो आप तो ये अपने घर में दाल रोटी खावा बस इन जमाने क्यों छो इन जमानो इलाज भाई जो के लोग पैसा हुई अब जो बेरोजगार से वह तो माखे माने बेचारा जो मो पैसा छो तो वो तो चहल पहल माचो पहले पैसा नहीं जो तो प्रेम जो प्रेम जो पहले प्रेम जो पैसा नहीं जो प्रेम जो उठनी बैठनी लेना देना हाल मदद आप तो मदद करना चाहिए भगवान कोई बीमारी लगी तो है ना परिवर्तन ठीक कखन है ठीक कुछ नहीं पहले तो मेल मिलाप से आप तो मेल मिलाप नहीं तो परिवर्तन ठीक कखन है पलायन होगी कम से कम 30% तो होगी कम से कम 30% होगी गार्डियन लोगों जो हम 65% नौकरी वो प्लान में चले गए बाकी हम छोटे जाए अब बरसात में तो ये गाँव में 5-7 मर कारण वही है बस पैसा को हॉस्पिटलों दिक्कत स्कूल इतना पढ़ाई नहीं लाइट बिजली चलो लाइट बिजली तो आप छाई है रोड भी छाई लेकिन थोड़ा दूर आई पड़ अब प्लान से मत मर ही पड़े चलो 4 पहिया 2 पहिया गाड़ी सब चलने तो लोग ऐसा आराम से चल चल देखो जो पहाड़ मर ला तो चन फिन तो पड़ लू बिल्कुल बिल्कुल हाँ इन तो नहीं कि तुम्हारे ड्योर में हॉस्पिटल बन जाओ ना ना है कम तो नहीं इन तो है ना चाहते कि कहीं मुझे जो स्कूल बन जाओ डिग्री कॉलेज बन जाओ बिल्कुल बिल्कुल इन तो नहीं लेकिन थोड़ा हॉस्पिटल दूर तो चाहिए अब ये अगर कोई थोड़ा बीमारी लगी तो सीधा शेरकोट जा कम से कम 35 किलोमीटर यहाँ तो देवभूमि यहाँ आदमी भी ऐसे बीमार नहीं होता ऐसे बीमार भी नहीं होता जो होगा तो तकड़ा जल्दी इधर जल्दी नहीं लग इधर जल्दी बीमारी भी नहीं लग रही जो लग ली तगड़ी लग ली मैं खुद 8% हूँ अभी अक्टूबर में यहाँ तो और भी अच्छा क्लाइमेट है 8% डबल चल रहा दवाएँ अक्टूबर में अभी दवाएँ चल रही यहाँ देखो तुम पूरा ऑक्सीजन है पूरा ऑक्सीजन खाने पीने की तो कमी नहीं मेहनत की कमी होगा खाने पीने की कोई कमी नहीं साग सब्जी आलू प्याज लहसुन धनिया प्याज टमाटर लेना देना ये खीरा चिचिंडा गोदड़ा अमेर लौकी सभी तैयार करना चाहे हम लग लाइ मेरे मकान तो खुले लगने लगाए थे ना पर गुजार वो मत कर लेना पूरा काम करता घर में हाँ जी हाँ बिल्कुल पूरा काम खेती को काम कर रहा हम जिंदगी बड़ी मैंने खेती को काम करी मुझे हाँ जी हाँ जी पंचायत पंचायत पूरा गाँव का ये मोटा था तो और मंदिर जो पार मंदिर टावर क्या होती लगी ये टावर पहले जो ये बोलना चाहे थे मारे वो डब्लू एल एल वाल ग्राम सभा हो अच्छा तो यहाँ क्या तो लगाई ये टेलीफोन करना गए अच्छा अच्छा ग्राम सभा में एक ये हमारा भाई साहब श्री स्वर्गीय कुंवर सिंह रावत जी लगाए थे वही साहब पहले गाँव में कन्न बोन वाला वो लगवाए थे ग्राम सभा सारा लोगों का ये टेलीफोन करना जानते तो कोई उल्टू पकड़ो तो कोई सोल्टू पकड़ो वो ना ये लंबा वाला तो कोई अन्ना लोग कोई उल्टू पकड़ना कोई सोल्टू पकड़ना सब सुखी जन गाँव में बस खाना जन पीना जन बाकी कोई भैर वसन बेचारा कोई देहरादून कोई दिल्ली कोई श्रीनगर कोई जाखनी बाकी जो थोड़ा हम जन अचन गौर में खेती बाड़ी कर मुश्किल तो कहीं भी पहाड़ में मुश्किल नहीं काम कर कर दे खेती बस चलान कर दी भोण जान पड़ गए भोण जान पड़ गए बन देखा दूर दूर से नंदा बोन आज से मैं बोन पड़ गया अच्छा आज के लिए भारी बहुत कम नहीं बोन के लिए ये काफ लोग जाने ना जंगल की कम कुछ भी नहीं करो जी बाकर जनो चलो ना खेती पाती भी नहीं कर सकता बीमार हूँ पहले को कर बाबा काम खेती करी
वैसे गोर पाए पराने नहीं पोता बीमार न खोबरी भी सारी पीड़ा थी खोबरी पर भी आराम करो तुम दे दे खान की दे बागर जन रखी आराम से रात बागर के जन दरे की खाना हम तो खेती बाड़ी लोग कम ही नहीं करना लोग नौकरी वाला भी ना तमाम नौकरी भी नहीं जाना और खेती भी नहीं करी करी नहीं जा सकना तो की करना मजबूरी में जाओ बाबा हम को जान छोड़ दी हम नहीं किरो जिंदगी भर जाए तलाई सांस तो नहीं खिंच तो और किले जन जाना तो दादा और तो नौकरी पियो सा वहां जन जो जन जाना ना जो हम जन वाला बहन देख रहे आजकल कौ छन गाँव में देखने आजकल एक तरह गाँव में मतलब नहीं बाबा वो कदर पर बस जो पहले इरा बाबा मार्केट ले बस होले तिहाने हो जा तो आम दिए पर का सारे रे या ये कोनो गदरू ये कोनो गदरू मेरे पीछे अपने खिड़कियों पर पानी आयो पानी का क्यों है ऐसे कदर पर जो बढ़िया मत बड़ी कदर जब मार गो में कौन देव तो पानी को छोड़ो तो कोनो मार तूने पानी छोड़ा और मैं बीमार छ रही हूं सगत बीमार टाइप है बुखार हो मनु को और ये वार पर भागने भी कहो छो अच्छा एज बटी हम पानी ये या माती नहीं जी गदरू अच्छा तब बटी हम बाबा ये तो बड़े खदरा छ हां ई त मार पीछे दे लो बस ही नहीं ना एरा त जो बयान नगर पे सम आवाज न उठे गन निकली ना और जो चना भी नहीं त नि माने लो तो वो कहो जा तो छई जन बैठ जाई की हां डनो के जो यू डने आ गो करो के वो एक नजर नहीं लगी ये कौन देनी नहीं मतलब है नहीं ये कौन के लिए नहीं होता ये बड़ो खतरा छ नहीं आगे रे आलू खतरा ना आगे भरे हो गया ये गुनान पूर का पानी को गदरो अच्छा मतलब बस का आ दो ये उतले चढ़ी बस का आ देखो ये अप्रैल में है अच्छा बरखा बरखा 6-7 अप्रैल में नहीं हो छ पूर का साल भर का अच्छा कौन तो सुखी हो छ आ पर तो सुखी हो छ हां अब जन बरखा हो ना अच्छा जब बरखा होनी थी गदरो तो तब ऐज बड़ी गदरो क्यों जब तब ये गांव की मुश्किल हो जाती है गांव के कभी जाना का नहीं था ये गदरू छ वो गाड़ छ गांव का फुने देखो थे गदरू छ बस हम बीच में ही जा तब कभी जा ही नहीं सकता था कहो जाना हम भागने भी कहो जा हम पानी रही पहले लोग ही जा ना मेहनत करो सुख देव जा वो मु बस दो जा मेहनत करो वालो जा ये मु सुख भी जो पहले सुख तो अभी बीच है खर्ग मान लेकिन की गनी सुख हो अब एक ही दिन आएगी आज बड़ी चली उस सुख तो कुछ अतन सुख चाहो सेरा गो चाहो जो बयान काम कर सक जा ना इन जगह अब पेड़ पास हो जा लो आया पानी जगह छ ना पानी जगह छ पर की कन अब देख हम से दाने रुपए कर लो बयान में और गाड़ आई ना चली नु पूरी बगी गा मेरे बड़ा बरसे पूरी बेड़ में देखो के बैठ जा तू यो बन हां ये भेड़ मुझे रगड़ दे होते पार में अच्छा अच्छा तो मुझे मेरे एक बड़ बारे पुंगड़ी जा मैं तो करनी सोचे पर क्या बयान कर से वो तो कोई कर दे मेरे पुंगड़ी ना मैं तो तबीयत ठीक नहीं रहनी तो मैं बयान इन रोपनी रापनी लगाए ना और आई गार्ड और पुंगड़ी सपा बड़ा तो ओवर बटी नहीं बना बाबा हम लोग पुंगड़ी दुनिया में बनाने की अच्छा अब बने बिकी गन बनो ना आर फिर तन चली कर के कपा करे रोड भी नहीं ना एक मेन तो रोड ही होगी रोड भी दूर होगी अरे जहाँ फिजिकल फिट रहोगे लोग नहीं बीमारी से दूर ही होगी ना लाइन के साथ में रखोगे लाइन लगभग सभी है जो रोजगार से वो तो बहर ही जाता है जो नहीं बेरोजगार से गाँव ही मेन तो वही चीज़ सड़क है कनेक्ट नहीं ना सड़क से गाँव अगर कनेक्ट हो ना सड़क से तब ज़्यादा चांसेस हैं भी बस ललोग सब हाँ खाली चल करना मतलब बिल्कुल गाँव तक रोड हो कनेक्ट हो ही चढ़ना गाँव गाँव के बारे में बताऊँ तो अभी आओ तो सन 56 मार रोड है जो सन 56 मार रोड में काफ़ी फ्लड चली बुपटी बोले म्यूनसिपलिटी दो तीन मिनट चल रहे ढोन घट कर चले काफ़ी जो है जमीन तो वहाँ नष्ट हो गया कुछ कुछ मकान भी बगी नहीं मकान भी बगे बड़ा गदर कुबस से पहले बिल्कुल गदर बस तुम ये तो पता नहीं कुबस से पहले वो कुपान रह गया कौन और वो बोले खड्डा भर बैठ गया अब देख ले कुंड कुंड देख ला तो कल सही खड्डा है जी अब ठंडे में धूप पहुंचे हाँ हाँ काम हो चुके पर इतना अब गर्मी नहीं होनी अब लेकिन थोड़ा नाव भी नहीं ना ये वैसे ठंड कम ही लगती है गर्मी कम लगती पहले तुम्हारे पूर्वज दादा परदादा बस ही होले पाणे वाली
हाँ बस बोला भाई जी पता नहीं कब बची, हम भी जानकारी नहीं भाई, पानी का वजह से बस पानी आ गया पानी मुझे धारू जो भाई जी अब वो धारू तो दब गई भूकल जब भूकंप आई ओवर पानी उच्च होती साल धारू जो पीड़ो धारू बोल बस गाँव में गए चो वक पहली 18 पत्थर 14 बन जाए ब्यो में हाँ अब वक 4 पत्थर बन या कब्र पर 4 दोण पहुंच जाए बोल अच्छा हाँ इतना बड़ गाँव चो अब वो भी बूंद पुंड गए तो कम बन बोलू प्लाइन मार देगा ना तुम 18 पत्थर 14 बन जाए हाँ 4 पत्थर बन चार पत्थर बन कब गए सब भागी नूंड पुंड तुम्हारा गाँव फिर भी भरी हो जाए कोई बोलो जो हम बच्चे पढ़ो ऊंद लाना अब हम जाना साला बोला हम अपने बच्चों यार नाते होता भाई ना करो बेड़ा ना हैं हम तो ये कह रहे हैं भाई नोना ये कह रहा ला नाते भी कह रहा ला जान जन भी की चलो ये कि दिन पूछे बदली जी पहले तो भाई इन चाप बैठ तो उड़ता यार लोग का ये कटेर मुंग गई इन आ कटेर मुंग गई उठक बैठा कौन चाहिए आप तो ये एक भी किसी के धोरे नहीं जा रहे ये भी चक्कर है अभी मुझे चाहिए जन चलियो मैं वह धोरे तो चलियो ये तो किले के मास पास था ना बैठ भी उठ भी सकता अब जन के बिड़ा आ जाओ तो वो नहीं होता हम भी नहीं आना था डेरा पड़ा यही मालूम बदल गया कि प्रेम भाव जरा कम ही हो रहा है सोच बदल गई तो हाँ पहले भगवान बन जाए पूरा गोपड़ी होना चाहू को चाह दान स्थान आदिम 15-16 आदिम खा पीता होना चाहिए डेट बन चल जाओ एक बोला खान पीन चाह आराम से रन चाह अब नहीं तन अभी और चाहिए दीवाल जी वाणी तो वोनी चे वोल जी वाणी तो वोनी चे कोई मतलब नहीं कैसे प्लान तो साफ ही जोड़ो प्लान जब नया नया लड़का चंद जो कि अपनी जब नौकरी चंद करना कोई दिल्ली से कम कोई पंजाब आज कम कोई देहरादून से कम सीता के लिए अपना धीरे धीरे अपना मकान भी बनाने लगे अपना बाल बच्चों ले आना घर में लोग बूढ़े बूढ़े जान छोड़िया अब जब तक और बाकी जो कि अच्छी नौकरी नहीं बोली तो वो अपनों गुजारो कर घर में चलू आना चंद जाना जाना अपना प्लान को कारण मेन ही हुआ कि लोगों को पैसा वही है नौकरी वाचे जाऊंगी तो अपने मकान बना ली पैसा चीती खराब हो पैसा सी कारण तो पैसा यह खराब होता तो तब तो थोड़े आते तो बोला ना हमारा अब बच्चा अच्छा स्कूल में डाले गया हम बस मेन कारण ही है कि भाई हम तो बड़ा बच्चा अच्छा स्कूल मारा करें शहरों का खान पान रहन सहन हाँ जी प्रदूषित है बिल्कुल 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 बहुत फर्क प्रदूषित खान पान जर प्रदूषित रहन सहन बिल्कुल पहाड़ में जो चीज खान पान भी प्योर जी प्योर है ना जी जी और जो चीज वातावरण भी प्योर जी अभी हम लोग का पानी यहाँ पियाना शुद्ध पानी जड़ी बूटियों मिनरल वाटर है बिल्कुल प्राकृतिक पानी जो प्राकृतिक पानी और मेन लोग नई पीढ़ी जन मतलब नई जनरेशन जो आनी तो वही चीज तो थोड़ा सोचनी कि भाई देखो वातावरण कंच है जी ये सी कितना दुख बीमारी दूर छनवाई अभी कोरोना है आज सपोज तो प्लेन सुमा तो काफ़ी भयभीत हुए काफ़ी ये सी नुकसान भी हुई फिर हमारे ये उत्तराखंड क्षेत्र में था कर्मी एक आधा हुए बोलो 100 माह सी क्योंकि आधा हमारी ये जड़ी बूटी छन जो जो से जो खत्म होनी बीमारी प्राकृतिक वातावरण है जी जी हाँ सही बात है तो ये बागरा भी तुम्हारा है ये बागरा भी हमारे बागरा बागरा का भी तो ये का ना गाइस का ही जीवन है अच्छा हां बाबा वहां ज्यादा ये ज्यादा रोजगार ही है बकरी पालन अब एक बकरी साल में अगर दो बच्चा भी दे ले तो ये समझ आओ 8000 रुपए बाहर रोज 6000 रुपए है ना बागरा का भी तुम्हारे पास हाँ बढ़िया वो गाँव में करी चुना है कहाँ हाँ कम से कम बकरी पालन कर सकते बकरी पालन है ना बकरी पालन थोड़ी हमारी वो भी चलता है बढ़िया मुर्गी अच्छा तो थोड़ा वो अंडा वो भी दी है ना हमने कहा चलो कभी अपने निकल जाने साग सब्जी का भी हाँ आज भेजने से चलो घर में ही होंगे जरा खर्चा ही कम पड़ी शिक्षित होना कोई बुरी बात नहीं ना, ना। लेकिन ना अब जो आदमी पढ़े लिखे हो ना तो गड़बड़ी में की कमी चाहिए कि पढ़े लिखे मतलब समझ दो कि बाहर जान हाँ बस
है ना, मेन चक्कर वो मांगी छ पढ़े लिखे दिन समझ दो कि बस मैं तो पढ़ी लिखी अब पहाड़ में की गन मैं है ना। लेकिन कति लोग छन पहाड़ मान जो कि यखर अपनो कई उद्यान को ना जन, हां कोई फलो कुछ करनो, कोई के को करनो, कोई नर्सरी करनो। अरे अगर तुम मन्नी भी कम चांदा है ना, हां तो कम से कम साल में 2-3 बार अपने गांव आओ, हां या फिर अपने बच्चों को भी बताओ कि भाई ये हमारा घर है, पैतृक घर है, पैतृक भूमि है, हमारी संस्कृति की इसको नहीं छोड़ना है। कम से कम ये तो करो तुम, अगर तुम निर्वाण कोई बात नहीं, खेती नहीं करा, बाड़ी नहीं करा, बिजनेस अगर तुम कृषि उद्योग नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन तुम जब रोना चाहो कम से कम साल में 2-3 बार ही खा, अपने बच्चों से भी सिखा कि भाई ये गाँव में होना चाहिए, हमेशा होना गौर में होना, सहम से भाई कम से कम होना चाहिए है ना, गौर चल तो रोकन तो तब भी ठीक लोग टूटे कोड़े भी ठीक से लगना गाँव के बीच टूटे कोड़े कम से कम दीवार तो भाँत बोल दिया। अब वो लोग फौज में वो एक मेजर साहब छो, एक भाई कलर को एक प्रोफेसर थे, तो एक छोटी आली सी सर मकान को बर्बाद कम से कम मिन्त करो कि वो पत्र पुत्र साफ करी थे हमने भी बोल सकूँ तई ये तो तुम जगह ले जाओ ये मुको को धर्मशाला खोल देना और क्या तन भी पंचायत भवन खोल दो पंचायत भवन बेटे हाँ मतलब क्या भाई बोलो अब वालू तब वाली बात वो नहीं से कई साल अपनी पड़ी दान कर दो पैसा बड़ी करना बुरू लग दो तुम भी तो ज्यादा जमीन से दान कर दिया दान है ना जब तुम डोने नहीं है यहाँ सरकार है ना कुछ इन प्रोग्राम चलाए हैं कि लोग तो जागरूक करो अपने गांव के प्रति और अपनी पैतृक भूमि प्रति। सरकार तो चाहती है कि जो खाली हो जाओ, सरकार तो चाहती जी हाँ कसम से तो चाहती है कि यहाँ खाली हो जाए और पैसा कम दिवान पड़ लो, काम कम करवा पड़ लो है ना, तभी चीज वो निकलती गवर्नमेंट लोग तो समझ नहीं है।